हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल राहुल जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना आधार कार्ड अपने नाम से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता क्या है, हमारी रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी हमारी जो पर्ची या एनरोलमेंट पर्ची होती है जो आधार कार्ड बनाते समय हमको दी जाती है, वो हमसे गुम जाती है या फट जाती है और हमारे पास जो है आधार नंबर भी नहीं है। तो आप अपने नाम से ही अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी जो आप मेरी स्क्रीन पर पेज ओपन देख रहे हैं, इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको ये अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। आप देख लेंगे यहाँ पे, आपको अच्छी तरीके से रीड करना है और नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख के आएगा, रेड रंग के बॉक्स में लिखा है क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ सबसे फर्स्ट करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट 12 डिजिट आधार नंबर डिजिटल एनरोलमेंट आईडी। आप यहां पे अपना आधार नंबर डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आपकी एनरोलमेंट आईडी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहां पे दोनों में से, जैसे यहां फर्स्ट में टिक है आप देख सकते हैं आधार नंबर पे, अगर आप एनरोलमेंट आईडी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस तरीके से एनरोलमेंट आईडी पे क्लिक कर लेंगे। तो अभी यहां पे जो है मैं अपना आधार नंबर पर क्लिक कर लेता हूँ। आधार नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है एंटर नेम, तो आपको यहाँ पर जो है अपना नाम एंटर करना है जो आपने आधार कार्ड बनवाते समय दिया था। तो एज इट इज़ नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है जो आपने आधार कार्ड बनवाते समय दिया था। तो अभी यहाँ पे जो है मैं अपना नाम एंटर कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे जो है मैंने अपना नाम एंटर कर दिया है। नाम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एंटर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने आधार कार्ड बनवाते समय अपना मोबाइल नंबर दिया था, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं आपको जो डिटेल फिल करनी है, आपका नाम फिल करना है जो आपने आधार कार्ड बनवाते समय अपना नाम दिया हुआ था, वही नाम आपको यहाँ एंटर करना है और आपका मोबाइल नंबर भी एंटर करना है जो आपने आधार कार्ड बनवाते समय दिया था। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एंटर ईमेल एड्रेस, अगर आपके आधार में ईमेल आईडी अपडेट है आपका ईमेल एड्रेस तो वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, इस तरीके से आप देखेंगे जो बॉक्स में आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा है, सिक्योरिटी कोड, आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है एंटर कैप्चा कोड, तो ये आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने अपनी डिटेल फिल कर दी है और कैप्चा कोड भी जो है मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा सेंड OTP, तो ये OTP आपके जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर है, जो मोबाइल नंबर है आपका, उस पर जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP जनरेट सक्सेसफुल, तो हमारा OTP जो है सक्सेसफुल जा चुका है, तो हमको जो OTP है यहाँ पर एंटर कर देना है। तो OTP हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर जो है हमने OTP एंटर कर दिया है, जो हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आया हमने उसको यहाँ पर 6 डिजिट का जो OTP है एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से सबमिट लिखा हुआ है, इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ देखने को मिलता है योर आधार नंबर, यहाँ पे जो लास्ट के हमारे आधार नंबर के जो 4 डिजिट हैं वो शो होते हैं, इज सेंड योर टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो है हमारा आधार जो नंबर जो है सेंड कर दिया गया है। तो हमारा आधार नंबर अब हमारे पास आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या होगा, आपको बैक जो है आपको होम पे आ जाना है। तो आप इस तरीके से देखेंगे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, आपको जो है होम पे आ जाना है। तो आप जैसे ही होम पे आएंगे अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डाउनलोड आधार, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड आधार, तो ये वाले ऑप्शन पर इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका जो 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो आपको एंटर कर देना है, या फिर आप एनरोलमेंट आईडी है तो एनरोलमेंट आईडी, या वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी। अभी हमने यहाँ पे जो है
अपना आधार नंबर जो है डाउनलोड आधार नंबर जो है जनरेट किया है। तो अब हम यहाँ पे जो है अपना आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद सेम आपको यहाँ पे एंटर कैप्चा कोड जो है जो बॉक्स में दिया हुआ है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अभी जो है हम डिटेल यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है हमने डिटेल जो है फिल कर दी है, कैप्चा कोड भी हमने यहाँ पे जो है एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं देखने को मिलता है सेंड ओटीपी। तो फिर से यहाँ पे जो है हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो हमने इस तरीके से सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमारे नंबर पे जो है ओटीपी आ चुका है। तो ओटीपी जो है हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इस तरीके से हमारे नंबर पे जो ओटीपी आया है 6 डिजिट का ओटीपी होता है, वो ओटीपी हमको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वेरीफाई एंड डाउनलोड। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से जो बॉक्स में वेरीफाई एंड डाउनलोड लिखा है इस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कुछ देर प्रोसेस होने के बाद आपका जो है यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आधार कार्ड हमारा होता है वो हमको यहाँ पे जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल पे तौर पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपको आधार कार्ड जो प्रोटेक्टेड होता है वो आपको कैसे ओपन करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो नाम है, जैसे आप देख सकते हैं नाम के आगे के आपको जो है 4 डिजिट जो है आप 4 वर्ड डाल देने हैं और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर कर देना है। जैसे कि इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे के 4 वर्ड आपको एंटर कर देना है ANIS। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ANIS तो आपको ये लिख देना है अपना जो भी आपका नाम है 4 वर्ड डाल देने हैं और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है आपको एंटर कर देना है और आपको ओके कर देना है। तो आपका जो आधार कार्ड है वो ओपन हो जाएगा, पासवर्ड जो प्रोटेक्टेड रहता है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं जो हमारा आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया। तो इसको मैं आपको ओपन करके भी बता देता हूँ। तो ये देखिए जो हमारा आधार कार्ड यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो अभी यहाँ पे हम इसको ओपन करने के लिए जैसे हमारा जो नेम है उसके आगे के 4 वर्ड और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो एंटर करके ओपन करके हम आपको बता देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे जो हमारा आधार कार्ड है हमारे सामने डाउनलोड हो चुका है। ये जो आधार कार्ड है हमने अपना सिर्फ नाम से ही डाउनलोड किया है, हमारे पास एनरोलमेंट आईडी नहीं था, हमारा आधार नंबर नहीं था। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका एनरोलमेंट पर्ची नहीं है, आपका पर्ची गुम गया है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।